सो इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ़ वीडियोज़ एट आई एल ड्रॉप जैसे बहुत जन के क्वेश्चन रहते हैं कि मैं कैसे ये लेवल्स ड्रॉ करता हूँ या ये लेवल्स क्यों इतने अच्छे से काम करते हैं मैं वो सब सिखाऊंगा वो सीरीज में इट्स गन्ट बी अ वेरी स्मॉल सीरीज मतलब ज़्यादा ऐसे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एपिसोड्स नहीं रहेंगे आई थिंक टेन एपिसोड्स आर इनफ बिकॉज मार्केट्स में आई लाइक टू कीप इट वेरी सिम्पल अगर आपने देखा रहेगा मेरे चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर कभी रहता नहीं और लाइन्स भी बहुत कम रहते सो so, मैं सिम्प्लिसिटी में बिलीव करता हूँ so that whatever I know in the market, whatever I know that works in the market, I'll be teaching you. टीचिंग यू मतलब जो मेरे को लगता है कि मार्केट में चलता है वही मैं सिखाऊंगा कुछ यू नो जिस बिगज वीडियोज मेरे को लंबा करना है उसके लिए मैं बुकश ज्ञान नहीं देने वाला हूँ जो भी मेरे को पता है कि मार्केट्स में चलता है वही मैं आपको सिखाऊंगा वो सीरीज में ठीक है सो इफ यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर इट यू गाइज कैन स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स लुक एट वॉट हैपन येस्ट आई मीन द लास्ट वीक इन द मार्केट लास्ट वीक वॉज अ क्रेजी वीक यू कैन से मार्केट्स में इतना अच्छा मोमेंटम आया है अगले ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज तो क्रैक हुआ ही है और साथ में एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट भी आया है मार्केट में ठीक है न कल हमने एक चीज़ बोला था कि कल हम लोग थोड़ा बुलिश कम रहेंगे बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक मूव आ सकता है या मार्केट साइडवेज जा सकती है एंड एक्जैक्टली exactly हुआ मार्केट्स में अगर आप तो नो डाउट मार्केट्स में एक्जैक्टली exactly एक साइडवेज मूव आया यहाँ पे बुल ट्रैप बना यहाँ पे हम लोग ने अपडेट दे दिया था आई थिंक बुल ट्रैप बन रहा है इसके नीचे जैसे ये कैंडल बनी वी अटेम्प्टेड अटैप्ट ट्रेड बिकॉज देखो यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ एंड एक अच्छा फॉल भी आया मार्केट में ठीक है बैंक निफ्टी वगैरह अगर आप तो बैंक निफ्टी उतना यू कैन से साइडवेज नहीं था बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश था बट इसमें भी एक अच्छा रिजेक्शन आया यहां से जिसको हम लोग ने पकड़ा भी एंड यहां से यहां तक राइड किया सो फ्राइडे वॉज अ गुड डे वी एंडेड अप विद ऑल ग्रीन ट्रेड्स ठीक है रिगार्डिंग वन मोर अनाउंसमेंट ठीक है ना बहुत लोग यू नो दे के नॉट दे डोंट वॉन्ट टू पे फॉर द प्रीमियम ग्रुप ठीक है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नो आपको अगर आपको ट्रेड्स चाहिए जो हम लोग प्रीमियम ग्रुप में देते हैं देन देर इज अ वे इन यू कैन गेट ऑल द ट्रेड्स फॉर फ्री

ठीक है तो उसमें एक है मैं चाहिए तो उसको हाईलाइट कर दूंगा यू गैस कैन ओपन एन अकाउंट इन एनी ऑफ द ब्रोकर एंड शेयर एज योर क्लाइंट आई एंड इफ यू एक्टिवली ट्रेड इन दैट अकाउंट वी विल बी शेयरिंग ऑल द ट्रेड्स दैट वी गिव इन द प्रीमियम ग्रुप सो इन दिस वे यूर नॉट पेइंग इंग एज एनीथिंग मतलब इन दिस वे आप हमको कुछ पे नहीं कर रहे हो आप सब अपना नॉर्मल ट्रेड्स ले रहे हो एंड वो ग्रुप में हम लोग वैसे भी जो भी ट्रेड्स हम लोग शेयर करते हैं हमेशा उसके पीछे लॉजिक भी शेयर करते हैं सो दैट यू आर अर्निंग एंड लर्निंग एज वेल ठीक है तो ये हुई छोटा सा अनाउसमेंट लेट सोट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट दर्कट कल के लिए व्हाट इज माइ ना देखो कल के लिए इट्स वेरी सिंपल ज्यादा कुछ करना नहीं है आज का जो डे हाइज है मतलब फ्राइडे का जो डे हाइज है और डे डेलोज है उसको मार्क करके रखो इसके ऊपर जाता है अगेन गो विद द फ्लो क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कहां तक जा सकती है राइट बट हमको इतना पता है कि मार्केट्स में अभी एक पैराबोलिक या वन साइडेड अपमूव आया है तो थोड़ा मैं क्वांटिटीज अभी बुलिश ट्रेड्स में कम रख के चलूंगा ट्रेड्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा बुलिश ट्रेड्स में लूंगा ठीक है मेरे को ट्रेंड मिस नहीं करना है तो मैं बुलिस ट्रेड्स भी लूंगा बिकॉज एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट है ओके बट वट आई डू आई एल कीप माई क्वांटिटीज इन बुलिस ट्रेड्स लेस एंड बुलिश कब कबूंगा मैं प्रीवियस डे डिहाइस के ऊपर अगर निकलती है मार्केट देन दैट्स वन हेल बी बुलिश एंड इसके नीचे अगर निकलती है ट्वेंटी के नीचे अगर निकलती है देन आई कैन से एक रिटेस्ट के लिए आ सकता है मार्केट ट्वेंटी के लिए ठीक है तो एक हार्ड रिटेस्ट हो सकता है मतलब काइंड kind ऑफ of, ऐसे कैंडल या ऐसे कैंडल बन सकती है मतलब इसके नीचे जाए मार्केट एंड फिर एंडिंग में ऊपर जाके क्लोज दें एंड फिर एक अच्छा रैली स्टार्ट करे ठीक है ना ऑल डिपेंड्स ऑन मे आई मीन जून फोर्थ ठीक है इफ द से पार्टी मतलब समझो अगर मोदी जी को फोर हंड्रेड सीट से थ्री फोर हंड्रेड नहीं थ्री हंड्रेड सीट से कम अगर आ रहे हैं दैट्स मैन वी कैन एक्सपेक्ट सम सीरियस सेलिंग ठीक है बट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज की मार्केट्स में ऑलरेडी ये जो देखो मार्केट्स क्या रहती है फॉरवर्ड थिंकिंग रहती है तो मार्केट्स में ऑलरेडी इलेक्शन जिसके फेवर में आने वाला है उसका मूव आई थिंक आ गया है प्राइज डिन हो गया है सो वट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मार्केट में जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होंगे ठीक है मे बी एक दो दिन मार्केट ऊपर जाए बट उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है उसके बाद एक करेक्शन आ सकती है ठीक है so सो ये मूव को थोड़ा ध्यान दीजिए अगर आप बहुत जन बोले रहेंगे कि मोदी जी आएगी तो और बढ़ेगा मार्केट और बढ़ेगा मार्केट नो डाउट बढ़ सकता है ठीक है बट ये जो मूव आया है ये फिर किस लिए आया है करेक्ट सो so ये मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकिंग तो ये जो मूव है आई थिंक द इलेक्शन रिजल्ट ऑलरेडी प्राइज्ड इन द मार्केट तो जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होंगे मे बी एक दो दिन मार्केट ऊपर जाए बट उसके बाद एक अच्छा फॉल या अच्छा करेक्शन आ सकता है मार्केट में ठीक है सो कीप दैट इन माइंड ये कोई नहीं बोलेगा बट इफ़ यू आर अ गुड ट्रेडर जिसकी जो आपके पास एक्सपीरियंस है बहुत साल का दैट्स दैट्स दी ओनली वन यू नो हु कैन से दिस कि ओके okay, इलेक्शंस के बाद होता क्या बिकॉज बहुत जन बोलेंगे पी एस यू स्टॉक्स बाय करो ये स्टॉक बाय करो वो स्टॉक बाय करो बट ऐसा होता है नहीं है ऐसे इतना ईजिली पैसे बनाने देते नहीं है बड़े लोग सो प्लीज़ बी केयरफुल ठीक है आपको थोड़ा सा तक रहना है अभी ये लेवल्स पे थोड़ा बुलिश ट्रेड्स कम रख के चलो एंड इलेक्शंस के बाद थोड़ा बुलिशनेस थोड़ा कम करो ठीक है दैट्स अबाउट इट नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट एंड कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं कल के लेवल्स करेंगे देखो सेम रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा सपोर्ट हमारा ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो हमने डिस्कस किया उसको यहां पे मार्क कर लेते हैं ठीक है दिस गोइंग टू बी ब्यूअर सपोर्ट इसके नीचे अगर जाती है मार्केट देन पहले फिफ्टी पॉइंट्स का फॉल यहां पे दिख रहा है एंड सीधा नेक्स्ट फॉल फिल्स ट्वेंटी टू थाउंड्रेड्रेड तक दिख रहा है ठीक है इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ तो ट्वेंटी तक नेक्स्ट फॉल दिख रहा है ना फिर बैंक निफ्टी में अगर मैं देखू तो नो डाउट रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी है तो इसका सपोर्ट क्या रहेगा इसको अगर इंट्राडे सपोर्ट मेरे को लेना है देन इतना मीनिंगफुल तो नहीं है बट आप इसको ले सकते हो काइंड kind ऑफ of एक इंट्राडे नहीं इतना भी आई थिंक इट्स नॉट मेकिंग दैट मच सेंस ठीक है बट अगर आपको लेना है देन मे बी फॉर्टी सेवन फोटी एट थाउजेंड सेवन एटी मतलब फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड कुड बी और इंट्राडे सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट इज इधर फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके इसको मैं यहाँ पे नीचे लग आता हूँ तो आपको पता चले ठीक है एंड ऊपर uh, का रेजिस्टेंस क्या फोर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड है एंड सीधा ऊपर फिर फोर्टी नाइन थाउजेंड इसके ऊपर जाएगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगी क्योंकि देखो प्रीवियस डे दे हाईस की प्रीवियस डे हाईस के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम लोग कोई भी पुट ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे ठीक है मार्केट अगर प्रीवियस डे हाईज को ब्रेक कर और फिर नीचे आ रही है तो फिर ऐसा सीनारियो बनता है बुल ट्रैप का सीनैरियो जैसे कल प्रीवियस डे हाइज के ऊपर चली गई मार्केट और फिर से नीचे आई ठीक है दैट्स वेन वी कैन टेक बुलिश ट्रेड आई मीन बेरिश ट्रेड्स बट अगर प्रीवियस डे हाइस के ऊपर ही ट्रेड कर रही है मार्केट देन पुट लॉन्ग लेके मत बैठो ठीक है आपको पता नहीं है मार्केट कहाँ तक रैली कर सकती है ठीक है सबको पता है कि मार्केट गिरेगी ठीक है बट मार्केट कितना ऊपर जाके गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता रहता है ठीक है सो बी केयरफुल ब्लाइंडली कुछ भी ट्रेड नहीं करना है जो चार्ज बता रहे उसके हिसाब से ही ट्रेड करो ठीक है फिर निफ्टी में भी बात कर लेते हैं फिर निफ्टी इट्स वेरी सिंपल फिन निफ्टी में भी रेजिस्टेंस अगर 21,887 वन है नेक्स्ट रेजिस्टेंस 21,953 है इसका सपोर्ट भी काफी क्लियर है इसका सपोर्ट देखो मार्केट्स ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया तो 21,800 इज योर फर्स्ट सपोर्ट एंड नेक्स्ट सपोर्ट अगर आपको लेना है देन आप इसको ले सकते हो इतना मीनिंगफुल नहीं है बट ट्वेंटी कुड बी योर नेक्स्ट इंट्रा सपोर्ट इन फिन निफ्टी ठीक है तो बेरिशनेस हैवी बेरिशनेस तब आएगी जब आज के डे हाइज मतलब फ्राइडे के डे हाइज अगर ब्रेक होते हैं दैट्स वेन वी यू कैन सी सम गुड बेरिशनेस इन द मार्केट बट अगर बेरिशनेस नहीं रहती है देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू कंटिन्यू गोइंग अप अगर प्रीवियस डिहाइज के ऊपर ट्रेड करती है वो ठीक है अब पूरा गेम फॉलो थ्रू पर है अगर फॉलो थ्रू बाइंग आती है देन ओनली वी विल गो एड विद द ट्रेंड नहीं आती है देन साइडवेज टू बैरिश ही रखेंगे हम लोग अपने दिन फॉर द नेक्स्ट यू कैन से टेन फिफ्टीन डेज ठीक है So once again, that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Let's get this video at least 400 likes. Take care. That's about it, guys. Take care. This is me, Manu, signing off. Trade responsibly. Bye.